भैया जी, आज हम आपको विज्ञान में कक्षा 10 में विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान से संबंधित मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में आपको विशेष जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि संचरण तो बहुत होते हैं, जैसे कि पौधों में जल संचरण, मनुष्य में जल संचरण, रुधिर परिसंचरण, लसिका परिसंचरण, ये मनुष्य में क्रियाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त अपन को जो मुख्य चीज जानना है वो रुधिर परिसंचरण, या जिसको हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन या रुधिर परिवहन के बारे में जानकारी करना है। रुधिर परिसंचरण के बारे में जानकारी करने से पहले हमको आपको जो चीज बताना है वो सबसे पहले ये आपको जानना है कि रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की। तो रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक, याद रखना, अक्सर बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की, ये विकल्प में या लघु उत्तरीय के रूप में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक विलियम हार्वे हैं। वैज्ञानिक विलियम हार्वे, इन्होंने रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। अधिकांश भैया बहन इसको गलत लिख देते हैं, वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर लिख देते हैं, जबकि कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर परिसंचरण की खोज नहीं की। कार्ल लैंड स्टीनर ने तो रुधिर वर्ग की खोज की। तो याद रखना, रुधिर परिसंचरण की खोज वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे इन्होंने की थी। तो खोज के बाद अब हम आपको रुधिर की संरचना, रुधिर परिसंचरण के पहले आपको रुधिर की संरचना के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। रुधिर की संरचना से संबंधित यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो रुधिर के दो भाग होते हैं। रुधिर के दो भाग होते हैं, पहला भाग है रुधिर प्लाज्मा और दूसरा भाग है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं को बताने के पहले हम आपको रुधिर प्लाज्मा के बारे में मुख्य विशेष जानकारी देंगे। पहले आप वो जाने, प्लाज्मा जो होता है मनुष्य के संपूर्ण रुधिर का, माने मनुष्य के शरीर में जितना भी रक्त होता है उसका 55-60% भाग प्लाज्मा होता है। 55-60% भाग प्लाज्मा होता है, शेष 40-45% भाग जो होती है वो होती है रुधिर कणिकाएं। क्योंकि रुधिर कणिकाओं के बारे में बाद में, पहले इसमें जो 55-60% भाग प्लाज्मा होता है इसमें 90-92% जल, शेष 8-10% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। 90-92% जल, 8-10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों के रूप में यदि हम देखें तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एंजाइम आदि पदार्थ पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ के रूप में यदि देखा जाए तो रुधिर में मुख्य रूप से खनिज लवण के रूप में कुछ पदार्थों के क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इसके अतिरिक्त सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि तत्व अकार्बनिक पदार्थ के रूप में रुधिर में पाए जाते हैं। अब तो इस प्रकार से ये रुधिर प्लाज्मा की संरचना होती है। यदि आप देखें तो जब हम किसी परख नली में रक्त निकाल लेते हैं, यदि रक्त को हम थोड़ा सा छोड़ दें उस परख नली को, तो कुछ देर बाद बीच में जो रुधिर होता है वो जम जाता है और एक पीले से तरल पदार्थ के रूप में जमा हुआ लाल गहरा काला सा भाग, थोड़ा सा कत्थई सा भाग उसमें तैरता हुआ दिखाई देता है। तो जो पीली सी संरचना होती है, पीला सा तरल पदार्थ होता है, वो प्लाज्मा है और जो रुधिर कणिकाएं हैं वो बीच में जम करके उसका थक्का बना देती हैं।
कभी कभी आपने देखा है जैसे यदि आप गिर गए, गिरने से कहीं घिसट गए, छिल गए, तो जैसे त्वचा का कहीं भी किसी हाथ में, पैर में या कहीं भी कोई हिस्सा छिल जाता है तो वहां से खून रक्त ना निकल करके उसमें से कुछ पीला पानी सा पदार्थ रिसके बाहर आ जाता है। जो रिसके वो पीला सा पदार्थ बाहर आता है वही प्लाज्मा होता है, वो प्लाज्मा होता है। तो इस प्रकार से ये प्लाज्मा, क्योंकि ये रंगहीन तरल द्रव होता है, ये रक्त का 55 से 60% भाग होता है। अब हम इसमें आपको दूसरी चीज जो बताने, तो इधर देखिए, अभी जैसे मैंने आपको प्लाज्मा बताया, रुधिर का दूसरा भाग होता है रुधिर कणिकाएं। ये रुधिर कणिकाएं जो होती हैं संपूर्ण रक्त का 40 से 45% भाग होती हैं। 40 से 45% भाग रुधिर कणिकाएं होती हैं। ये तीन प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं। सबसे पहले आपको जानना है लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में, या इसको हम अंग्रेजी में रेड ब्लड कार्पल्स भी कहते हैं, या शॉर्ट में इसको आरबीसी कहते हैं। तो ये मनुष्य के शरीर में रक्त में इनका निर्माण जो होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। इनका निर्माण लाल रुधिर कणिकाओं का लाल अस्थि मज्जा में होता है। और ये जो होती हैं ये उभयावतल होती हैं, उभयोत्तल। जैसे ये आपका उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस के अगर आप देखें तो इस प्रकार से, लेकिन बीच में दोनों साइड से पिचकी हुई इस प्रकार की होती हैं, इस प्रकार से दिखाई देती हैं। अगर ऊपर से देखें तो ये इस प्रकार से दिखाई देती हैं, पिचकी हुई होती हैं लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही इनका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इनका रंग लाल होता है और ये लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। इनका जीवन काल 120 से लगभग 127 दिन का होता है। 120 से 127 दिन तक ये जिंदा रहती हैं। आज बनी आज भी नष्ट होती हो सकती हैं और अधिकतम 120 से 127 दिन तक ये जीवित रह सकती हैं। प्रति घन मिलीमीटर, एक घन मिली रक्त में इनकी संख्या 45 से 55 लाख तक होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में, सामान्य मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में एक घन मिलीमीटर में इनकी संख्या 45 से 55 लाख प्रति घन मिली होती है रक्त में। अब इनका काम क्या है? क्योंकि रुधिर में जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं इनका विशेष मुख्य काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और उस ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और कोशिकाओं में ऑक्सीजन को मुक्त करना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके पुनः फेफड़ों में छोड़ देना जहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया जाता है, और फिर ये आरबीसी फिर ऑक्सीजन को लेकर के शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। इस प्रकार से हीमोग्लोबिन जो है फेफड़ों में ऑक्सीजन से क्रिया करके हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ये फेफड़ों में बनती है, क्रिया होती है। इसके बाद जब फेफड़ों से ये आगे जाकर के रुधिर वाहिकाओं द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचती है तो वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर विघटित होकर के हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में मुक्त होती है। हीमोग्लोबिन वहां फिर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जो वापस फेफड़ों में आकर के CO2 को मुक्त कर देता है और फिर से ऑक्सीजन लेकर के चला जाता है। ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ऐसे प्रकार से RBC का काम है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना मुख्य कार्य। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उस स्थिति में रक्त क्षीणता दुर्बलता अर्थात एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है ऐसे व्यक्तियों को। तो ये थी आपकी लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरी रुधिर कणिकाएं जो होती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिनको हम व्हाइट ब्लड कार्पल्स या WBC कहते हैं, क्योंकि ये श्वेत रुधिर कणिकाएं मानव शरीर में, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या लगभग 5000 से 9000 प्रति घन मिली होती है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, साथ साथ लसिका गांठों में भी होता है। ये जो है इनका जीवन काल 1 से 2 दिन और अधिकतम 1 हफ्ते तक का रहता है। 1 से 2 दिन या अधिकतम 1 हफ्ते तक का होता है। अब ये श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं WBC, ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है कणिकामय, कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनको हम ग्रैन्यूलोसाइट भी कहते हैं। ग्रैन्यूलोसाइट। और दूसरी जो होती है ये जो होती है कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं। कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये जो कणिका रहित होती है इनको हम ए ग्रैन्यूलोसाइट भी कहते हैं। ये ग्रैन्यूलोसाइट और कणिका रहित जो होती है उनको ए ग्रैन्यूलोसाइट भी कहते हैं। अब एक बात और ध्यान रखें, पुनः ये दोनों प्रकार की रुधिर कणिकाएं, फिर इनके प्रकार होते हैं। जो कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं ये पुनः 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। ये होती हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं इनके कोशिका द्रव्य में कण पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। ये 3 प्रकार की होती हैं। तीनों प्रकार की कणिकाएं जो है अनियमित आकार की होती हैं। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अमीबा के आकार की, अमीबा आकार होती है। केंद्रक भी इनमें सिंगल नहीं होता है, किसी में 1 पिंड 2 पिंड और 3 पिंड या अनिश्चित आकार का होता है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तीनों प्रकार की रुधिर कणिकाओं का काम है हानिकारक जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करना, शरीर में प्रवेश किए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। दूसरी जो कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं ये पुनः 2 प्रकार की होती हैं। कणिका रहित, इनके कोशिका द्रव्य में किसी प्रकार के कोई कण नहीं पाए जाते हैं। ये रंगहीन होती हैं, किसी प्रकार का रंग नहीं होता है, इसलिए तो इनको श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। ये
कणिका रहित जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट। ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट दो प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट नहीं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दो प्रकार की होती हैं। लिम्फोसाइट जो होती हैं और मोनोसाइट, इन दोनों कणिकाओं का केंद्रक अनियमित दो से तीन पालियों का बना हुआ होता है। इनके कोशिका द्रव्य में कण नहीं होते हैं और इनका मुख्य कार्य है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की ताकत होती है वो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट की होती है। ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इस प्रकार से ये दो प्रकार की, पुनः कणिका में तीन प्रकार की और कणिका रहित दो प्रकार की, इस प्रकार से ये पांच प्रकार की द्वारा होती है। तीसरी और अंतिम प्लेटलेट्स कणिकाएं जो होती हैं, ये तीसरी प्लेटलेट्स कणिकाएं, इनमें जो है ये श्वेत रुधिर कणिकाओं की लगभग 10 गुना तक होती हैं मनुष्य के शरीर में, 10 गुना तक होती हैं। इनमें थ्रोम्बोसाइट विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो रुधिर का थक्का जमाने का काम करते हैं। ये केवल मनुष्य में ही पाई जाती है। जब कहीं शरीर में घाव लग जाए तो घाव के स्थान पर ये थ्रोम्बोसिन नामक विशेष प्रोटीन का निर्माण करती हैं और वह फाइब्रिनोजन धागे आ जाते हैं, उसमें ये फंस जाती हैं, रुधिर का थक्का जम जाता है और रुधिर कणिकाएं उसमें फंस जाती हैं, इससे घाव के स्थान पर रुधिर का बहना बंद हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इस रुधिर कणिकाओं की कमी से एक विशेष प्रकार का रोग हो जाता है, जिससे शरीर में घाव लगने से रक्त का थक्का नहीं जमता। क्योंकि इस प्रकार के रोग को हीमोफीलिया कहते हैं। क्योंकि हीमोफीलिया रोग जो होता है ये वंशागत रोग है, ये माता पिता से संतानों में होता है, इसके जीन्स जो होते हैं लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, इसलिए ये वंशागत रोग है। अधिकांशता बहुत कम लाखों में एकाध किसी व्यक्ति में पाया जाता है, लेकिन शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्वों की कमी के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे विटामिन के की कमी हो जाए तो इसका थक्का नहीं जम पाता और रुधिर का बहना बंद रहता है। तो इस प्रकार से रुधिर की संरचना में हमने आज आपको दो चीजें बताई, एक तो रुधिर के भाग, रुधिर प्लाज्मा और दूसरे रुधिर कणिकाएं, ये दो चीजें इतनी हमने आपको बताई। अब अगली चीज, अगले दिन इसको हम हृदय की संरचना बताएंगे।